শুরু করে यही उसका 5% प्रॉफिट ऐड करके 115 में कर रहा है तो उसको वैट एप्लीकेबल था तो वैट समझे 5 रुपये लग रहा है तो ये जाके 122 फाइनल कंज्यूमर को 122 में पड़ रहा है पर समझो यही गुड अभी GST में 115 + 7 रुपये 120 में चेंज कर रहा है तो एक ही गुड्स पे आप देखोगे तो पहले एक्साइज ड्यूटी लगा एक्साइज ड्यूटी ऐड हो गया ट्रेडर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 115 और ये सब पे उसे वैट लगा पे क्या हुआ था टैक्स पे टैक्स लग रहा था इनको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं टैक्स पे टैक्स लग रहे कास्केडिंग इफेक्ट बस GST आने के बाद एक सिंगल रेट हो गया समझो आपने बिल देखा होगा तो दो टैक्स लगते होंगे CGST एंड SGST ये दो टैक्स होता है तो समझो इसका मैं पकड़ लूँ ये होता है 6% ये होता है 6% तो टोटल 12 रुपये लगता था तो 112 तो आप जो डिफरेंस देख रहे हो ये कैस्केडिंग इफेक्ट GST के आने से पहले हो रहा था पर सिंस GST आ गया उन्होंने बोला ये सब टैक्सेस मैंने हटा दिए उसके बदले मैं एक सिंगल टैक्स ला रहा हूँ जिसका रेट 5% 12% जो भी हो सकता है बट एक एग्जांपल है कि ये जो टैक्स पे टैक्स लग रहा है CST में स्टेट टैक्स बताओ CGST में आ गया तो सेंट्रल टैक्स मतलब ये लोग ये है ना हाँ तो क्या CGST इन सेंट्रल टैक्स करेक्ट स्टेट एस विल मीन मेरे आगे भी शूट में आने वाला है जैसे कास्केडिंग सब इक्वली रहता है दोनों इक्वली रहते हैं कभी इक्वल जब ये दोनों टैक्स में लेते हैं तो IGST होता है तभी के लिए मैं सिंपल कर देता हूँ एक IGST लिख देता हूँ इंटीग्रेटेड टैक्स दैट इज 12% तो ये जो टैक्स पे टैक्स लग रहा था एक्साइज पे वैट लग रहा था वो GST के आने के बाद चला गया पर एक सिंगल टैक्स है दैट इज IGST जो कौन से टैक्स है हम आगे देखेंगे पर IGST कभी लगता है आपके एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ कि टैक्स पे टैक्स अब GST में नहीं रहता अभी नेक्स्ट पॉइंट है लेसर नंबर ऑफ कंप्लायंस तो बेसिकली 24 टैक्स के लिए मुझे एक रिटर्न फाइल करना था एसटी से वैट के लिए एक अलग फॉर्म था तो वैसे अलग अलग फॉर्म मुझे हर एक्ट के अंदर फाइल करने थे पर GST के आने बाद 3 फॉर्म हो गए GSTR 1 GSTR 2 GSTR 3 पर अभी 3 और 2 काम नहीं करे तो GSTR 1 और 3 भी मुझे फाइल करना है तो बेसिकली लेसर नंबर ऑफ कंप्लायंस मुझे पहले 10 रिटर्न फाइल करने थे उसके बदले ये 3 हो गए तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फॉर्म था एक्साइज का सर्विस टैक्स के लिए एसटी के लिए एक फॉर्म था फिर वैट के लिए एक फॉर्म था तो बेसिकली जितने एक्ट थे उतने रिटर्न मुझे फाइल करना था पर GST के आने के बाद अभी सिंप्लीफाइड रिटर्न कर दिया मतलब GST 1, 2, 3 ओरिजिनली उन लोगों ने लाया बट अभी 2 और 3 पोर्टल पे काम नहीं कर रहे तो उन लोगों ने अभी बोला कि आप GST 1 फाइल करो जिसमें आपकी सेल्स की डिटेल जाते मतलब सप्लाई की और GST 3 भी फाइल करो जिसमें एक समझ आती है कि आपने इतना सेल्स किया इतना परचेज किया बैलेंस आपने टैक्स पे किया तो मतलब मुझे पहले हर एक एक्ट के अंदर रिटर्न फाइल करने थे फिर उन्होंने सब एक्ट अबॉलिश की और एक सिंगल एक्ट रखा और उसमें उन्होंने बोला कि 3-4 रिटर्न आप फाइल करो तो जो भी बिजनेस कर रहा है उसको ये फायदा होगा कि मुझे बहुत सारे रिटर्न फाइल ना करके एक सिंपल रिटर्न फाइल करते हैं और 4 पॉइंट अपना कॉमन प्रोसीजर मतलब कॉमन प्रोसीजर जब भी मैं रिटर्न फाइल करता हूँ तब वो डिपार्टमेंट से नोटिस आती है कि हमने ये बराबर फाइल नहीं किया टैक्स कम पे किया क्रेडिट ज़्यादा लिया वैसे सब नोटिस आती है GST के आने के बाद अभी मुझे सिर्फ एक सिंगल अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है पहले मुझे हर अथॉरिटी के पास जाना पड़ता था एक्साइज से मुझे एक नोटिस आई है वैट से एक नोटिस आई तो वो सब अलग अलग जगह से नोटिस आती है बट GST के आने के बाद मुझे सिर्फ एक सिंगल ऑफिसर जो मुझे बोल के रखा होगा कि ये आपकी आप ये ऑफिसर के अंदर आते हो तो वही ऑफिसर मुझे हर इम्पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए मैंने गुड सप्लाई किया सर्विस इन सब के मुझे एक ही ऑफिसर नोटिस भेजी है तो आपका ये काम अच्छा होगा कि जैसे कॉमन प्रोसीजर अंदर GST
अभी आपका वो पॉइंट आया टैक्स के बारे में। तो अभी हम देखेंगे कि जीएसटी में